मानगढ़ से है, जहां भाजपा से टिकट मिलने के बाद पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया नौहर पहुंचे और गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया। पूर्व विधायक अभिषेक ने कहा कि राजस्थान में आने वाला समय भाजपा का होगा। कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल की है, मगर राजस्थान की जनता अब भाजपा को सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। अभिषेक मटोरिया ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के शासन में 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ग पूरी तरह त्रस्त रहा है। सरकार की गलत नीतियों के चलते पेपर लीक हुए, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य खराब हो गया। इन चुनावों में विशेषकर पूरे राजस्थान का युवा राजस्थान से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुका है। कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा। पूरे 5 सालों में सरकार अपने ही अंत कलह में उलझी रही। वो चाहे मैं करूं चाहे कोई भी करे, चुनाव लड़ा जाता है व्यवहार, विकास, सरकार की नीतियां, विकास कार्यों को धरातल पे उतारना, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, इन मुद्दों पे लड़ा जाता है। जाति धर्म इनके आधार पे लंबे तौर पे चुनाव नहीं लड़े जाते, और अगर कोई लड़ता भी है तो ये बात लंबी नहीं चलेगी। आज का हमारा कार्यक्रम एक पार्टी ने टिकट दी है, कार्यकर्ताओं में उत्साह था, और ये कोई नोहरी आप सब पत्रकार बैठे हो, ये कोई नोर में हो रहा है, ऐसा नहीं है। चाहे भादरा हो, चाहे गंगानगर हो, यहाँ अपने राव सर के धर्मेंद्र जी पीड़ी गंगा से उनको मिली है, तो ठीक है, कार्यकर्ताओं में एक स्वागत करने की परंपरा थी। और पर जिस कदर आज होड़ मची, तो ये कोई अतिशोक्ति भी नहीं होगी भी, जिस कदर का आज जोश और उत्साह कार्यकर्ताओं में दिखा, और केलड़िया बॉर्डर पे जयपुर से मैं आया, वहां से स्वागत करने के लिए वहां पहुंचे, और यहां इतनी रात तक 12 बजे से लेकर 8 बजे तक आज भी कार्यकर्ता बैठे हैं, ये निश्चित रूप से जीत का प्रतीक है।